और रायपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। तो 21 जनवरी को राजधानी रायपुर आएंगे अमित शाह। दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह और विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो शाम 6 बजे तक विधानसभा परिसर में रहेंगे अमित शाह। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। तो 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह और विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो शाम 6 बजे विधानसभा परिसर में रहेंगे अमित शाह। और हेमंत शर्मा हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। हेमंत, अमित शाह का भी दौरा रहने वाला है 21 जनवरी को, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ सौगात दे सकते हैं इस दौरान अमित शाह वहां के रहवासियों को? देखिए, 21 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। लगभग 2 बजे के आसपास वो रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर पहुंचने के बाद जो विधानसभा का प्रबोधन कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे और लगभग शाम 6 बजे तक, यानी 4 घंटे से अधिक समय तक वो विधानसभा परिसर में ही मौजूद रहेंगे। नए जो विधायक है जिनके लिए ये प्रबोधन सत्र रखा गया है उनको, उनके द्वारा जानकारियां दी जाएंगी, वो अपना अनुभव साझा करेंगे और एक तरीके से मार्गदर्शन भी नए विधायकों को उनके द्वारा दिया जाएगा इन तमाम कार्यक्रमों में। चूंकि बेसिकली इसी कार्यक्रम के लिए वो शामिल होने आ रहे हैं, इसलिए और कोई कार्यक्रम उनका फिलहाल नहीं बन पाया है। जो कार्यक्रम जारी हुआ है उसके मुताबिक कुछ और कार्यक्रम आगे चलकर तय हो सकता है, लेकिन प्रमुख तौर पर 4 घंटे के आसपास ज्यादा समय तक वो विधानसभा में ही रहेंगे और फिर लगभग 6:30 बजे के आसपास दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, तो क्या माना जाए हेमंत, जिस गृहमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो जीत का मंत्र यहाँ पर कार्यकर्ताओं को देंगे वो? देखिए, प्रमुख तौर पर प्रबोधन जो सत्र है विधानसभा का, जो 20 और 21 तारीख को आयोजित किया गया है, 20 को उपराष्ट्रपति शामिल हो रहे हैं, 21 को केंद्रीय गृह मंत्री उसमें शामिल होंगे और सिर्फ इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर आ रहे हैं। बिल्कुल हेमंत, हालांकि 21 तारीख को उनका दौरा है, उसको देखते हुए किस तरह सुरक्षा के इंतजाम, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, पुलिस विभाग पूरी तैयारी कर रहा है और आज जो बैठक हुई है उसमें गृह मंत्री के दौरे को लेकर भी चर्चा हुई है। पर्याप्त सुरक्षा रहेगा क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं और तमाम एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा तक 1000 की संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहेंगे। चलिए, शुक्रिया हेमंत आपका तमाम जानकारियों के लिए।